ब्राह्मण और तीन ठग। एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तीन ठगों की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसकी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी ले लेने का निश्चय किया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है? यह सुनकर ब्राह्मण को गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, चल दूर हट, कितने शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो आप बात की तू बकरी कुत्ता कहता है क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान मानोगे? हँसता हुआ वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, ताजुब है आपकी पास सवारी है, लेकिन इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ पैदल जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या ये तुम्हें बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सनकी लगते हैं, आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। यह कहते हुए वह ठग भी चलता बना। कुछ समय बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को लेके कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण को गुस्सा आया। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में पिशाचनी है, वह समय समय अपना रूप बदलती रहती है, इसलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। वह खुशी खुशी बकरी को लेके चलते बने। लोगों की बातें सुनकर कभी भी अपना नज़रिया ना बदले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।